क्वेश्चन नंबर 14 था, क्वेश्चन नंबर जो 14 था वो मैंने होमवर्क के लिए दिया था, और वो शायद सभी ने कर लिया होगा, है ना। चलो अभी चैट करना बंद कर दो बेटा, ठीक है। चलो फिर क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, ये कह रहे हैं कि एक सारणी दी गई है a प्लस बी प्लस सी, फिर माइनस सी, फिर माइनस डी, फिर ये दूसरी पंक्ति है, ये तीसरी पंक्ति है, और हमें ये सिद्ध करके दिखाना है, ठीक है। यानी 2 a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन किए जाते हैं। तो हमें देखो क्या समझना है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, यदि किसी सारणी को हमें सिद्ध करना है या उसका आंसर लेने आना है तो हमें दो तीन चीजों का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो उसमें से हम क्या फॉर्मल ले सकते हैं, दूसरा उसके अंदर से कि भाई हम जीरो ला सकते हैं, और तीसरा हम कह सकते हैं कि सर ये जो आंसर है ये कहीं ना कहीं से ठीक है। भाई एक बार सभी विद्यार्थी ना ये लिंक ना ग्रुप में भेज देना, आज मैंने ग्रुप में लिंक नहीं भेजी, तुम शेयर कर देना एक बार फटाफट, ठीक है। देख अब मैं एनएचएस लेके चलूंगा, तो एनएचएस हमारे पास क्या है, देखो एनएचएस हमारे पास है ए प्लस बी प्लस सी, उसके बाद है माइनस सी, फिर है माइनस बी, माइनस सी ए प्लस बी प्लस सी, फिर है माइनस बी, उसके बाद है माइनस बी, फिर माइनस ए, और फिर ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। आगे देखो, आगे देखो, अब हमें करना क्या है, हमें ये करना है कि सर हमें हमारे पास दो आना चाहिए, a प्लस बी आना चाहिए, b प्लस सी आना चाहिए, और c प्लस a आना चाहिए। तो सर ये कैसे लिखते हैं, एक मिनट रुको भाई, एक बार मैं ये लिंक भेज देता हूँ, चलो आगे देखते हैं। अब देखो हमें करना क्या है, अब हमें हमारे आंसर लेके आना है, अब ये आंसर कैसे आएंगे वो समझना। देखो हमें a प्लस बी चाहिए, मतलब हमें एक पंक्ति को दूसरी पंक्ति को जोड़ना है, चाहे घटाना है, चाहे हमें सभी को जोड़ना है, हमें चाहिए a प्लस बी आ जाए, b प्लस सी आ जाए, या c प्लस a आ जाए। तो देखो ध्यान से देखना, यदि मैं इन दोनों को जोड़ू, यदि मैं इन दोनों क्या कर दो भाई, इन दोनों को जोड़ दूंगे तो a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पे है माइनस सी, ठीक है भाई। तो अगर इसको और इसको मैं जोड़ दूंगा तो सर प्लस सी और माइनस सी कैंसिल हो जाएगा, अगर इसको और इसको मैं जोड़ दूंगा तो सर माइनस सी प्लस सी ये भी कैंसिल हो जाएगा,
तो हमें क्या करना है कि सर कॉलम फर्स्ट को चेंज करें कॉलम फर्स्ट प्लस कॉलम सेकंड, यानी कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड को मैं जोड़ रहा हूँ। तो जोड़ना भाई देखते हैं क्या आएगा। देखो भाई जोड़ने पर क्या आएगा हमारे पास, इसको और इसको जोड़ोगे देखो प्लस सी और माइनस सी ये कट जाएगा, सिर्फ आपके पास ए प्लस बी बचेगा। तो यहाँ पे आ गया ए प्लस बी, देखो सी वन प्लस सी टू यानी दोनों को जोड़ रहे हैं और चेंज किसको कर रहे हैं सी वन को कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं कॉलम फर्स्ट को। तो जो भी आप इन दोनों को जोड़ के लिखोगे वो कहाँ लिखोगे कॉलम फर्स्ट के ऊपर लिखोगे। इसको और इसको जो जोड़ के लिखोगे तो माइनस सी प्लस सी कट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा सर यहाँ से भी ए प्लस बी कट जाएगा। जब आप इसको और इसको जोड़ोगे तो माइनस ए माइनस बी आएगा, दोनों के अंदर से माइनस कॉमन लेके हम ए प्लस बी लिख सकते हैं, यानी माइनस ए प्लस कॉलम फर्स्ट प्लस कॉमन सेकंड। ठीक है अच्छा एक साथ दो संक्रिया कर सकते हो, एक साथ दो ऑपरेशन कर सकते हो, मैं पहले भी बता चुका हूँ। आपने कॉलम फर्स्ट को चेंज किया है तो आप कॉलम सेकंड और कॉलम थर्ड को जोड़ भी सकते हो और घटा भी सकते हो। जैसे हम यहाँ देखते हैं ये हमारे पास आ गया है बी प्लस सी चाहिए, देखो भाई बी प्लस सी कैसे आएगा, इसको और इसको यदि मैं जोड़ूंगा तो हमारे पास आएगा माइनस सी माइनस बी, माइनस कॉमन लेने के बाद बी प्लस सी आ जाएगा, क्या आ जाएगा बी प्लस सी। इसको और इसको यदि आप जोड़ोगे तो माइनस ए और प्लस ए कट जाएगा यानी बी प्लस सी बचेगा, इसको और इसको जोड़ोगे तो ये कट जाएगा बी प्लस सी बच जाएगा। मतलब एक साथ दो संक्रिया कर सकते हो, कॉलम सेकंड को कॉलम थर्ड में जोड़ना है, कॉलम सेकंड को कॉलम थर्ड में जोड़ना है, तो बताओ चेंज किसको करें, चाहे आगे सी को लिख दो चाहे सी को लिख दो, तो मैं चेंज कर रहा हूँ सी को। एक साथ दो संक्रिया कर सकते हो, बस शर्त यह है कि इधर आपने सी को लिखा है तो C1 को यहाँ पर यूज नहीं करना, मतलब इसके अंदर कहीं पे भी C1 नहीं है। तो कॉलम सेकंड को चेंज करो, सेकंड और थर्ड को जोड़ो, इन दोनों को जोड़ना है। इसको और इसको जोड़ोगे तो माइनस सी माइनस बी, माइनस कॉमन लेकर माइनस बी प्लस सी लिख सकते हो, यानी माइनस बी प्लस सी लिख सकते हो। ठीक है इसको और इसको जोड़ोगे तो माइनस ए प्लस ए कट जाएगा बी प्लस सी बचेगा, बी प्लस सी। इसको और इसको जोड़ोगे तो माइनस ए प्लस ए कट जाएगा यानी क्या बच जाएगा बी प्लस सी। ठीक है कॉलम फर्स्ट को चेंज कर दिया, कॉलम सेकंड को चेंज कर दिया, कॉलम थर्ड जैसा है वैसा ही रहेगा। आवाज स्लो आ रही है, सर वॉल्यूम कम है एक मिनट के अब आवाज सही आ रही होगी भाई। ठीक है देखो अब आवाज़ सही आ रही होगी भाई, मैंने कुछ नहीं किया, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। कॉलम फर्स्ट को चेंज किया है कॉलम फर्स्ट प्लस कॉलम सेकंड, ताकि इन दोनों को जोड़ने पर माइनस सी प्लस सी कट के ए प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस बी आ जाए। कॉलम सेकंड को चेंज किया है कॉलम सेकंड प्लस कॉलम थर्ड, इसका मतलब इसको और इसको जोड़ना है। अब ठीक है सोनू कुमार कह रहे हैं कि अब ठीक है भाई, अरे अब तो आवाज सही आ रही होगी भाई। अब भी नहीं आ रही, सोनू
सर फट रही है। भाई अब तो सही आनी चाहिए आवाज। अब तो प्रॉपर आवाज आनी चाहिए। पर अब तो आ रही होगी भाई। चलो कॉलम फर्स्ट को चेंज किया है कॉलम फर्स्ट प्लस कॉलम सेकंड, सेकंड को चेंज किया कॉलम सेकंड प्लस कॉलम थर्ड, तो थर्ड कॉलम सेम रहेगा भाई। माइनस बी माइनस ए, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, ये हमारे पास आ गया भाई। अब आपको स्पष्ट दिखाई हो रहा दे रहा होगा कि सर कॉलम फर्स्ट के अंदर से ए प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस बी, तो कॉलम फर्स्ट में ए प्लस बी कॉमन ले सकते हैं भाई। कॉलम सेकंड के अंदर बी प्लस सी बी प्लस सी बी प्लस सी, मतलब बी प्लस सी कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है, कॉलम फर्स्ट व कॉलम सेकंड में से क्रमशः ए प्लस बी बी प्लस सी उभयनिष्ठ लेने पर ठीक है भाई कॉमन ले रहे हो, तो इसमें से ए प्लस बी बाहर आ गया, ये लो भाई ए प्लस बी, इसके अंदर से बी प्लस सी बाहर आ गया, ये लो भाई बी प्लस सी, तो अंदर क्या बच गया ये देख लेते हैं भाई। यहाँ पे एक एक माइनस एक, यानी क्या बच गया एक एक फिर माइनस एक, यहाँ पे देखो माइनस एक फिर एक फिर एक, यानी माइनस एक फिर एक और फिर क्या आ जाएगा एक, माइनस बी माइनस ए ए प्लस बी प्लस सी, मतलब माइनस बी माइनस ए ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है भाई। भाई इसके अंदर से a प्लस बी कॉमन आ गया, इसके अंदर से b प्लस सी कॉमन आ गया, तो कॉलम थर्ड जैसा था वैसा हमने लिख दिया। अब देखो यहाँ एक एक आ गई है, कल मैंने परसों जो क्वेश्चन दिया था उसमें बहुत सारे विद्यार्थियों ने जैसे ही ऐसा आया प्रसार कर दिया, भाई डायरेक्ट प्रसार नहीं करना है, कोशिश करो ना जीरो लेके आओ। तो जीरो कैसे ला सकते हो, ध्यान दो, अगर इसको और इसको मैं जोड़ दूँ, अगर इसको और इसको मैं जोड़ दूं तो एक और माइनस एक, एक माइनस एक जीरो होगा कि नहीं होगा भाई। इसका मतलब हमें चेंज करना है कॉलम फर्स्ट को, और कॉलम फर्स्ट में क्या जोड़ना है, कॉलम सेकंड जोड़ना है भाई। देखो एक और माइनस एक जब इन दोनों को जोड़ोगे तो प्लस का एक और माइनस का एक दोनों हो जाएंगे जीरो हो जाएंगे कट के। सर पंद्रहवा क्वेश्चन कब कराओगे, अभी करा दूंगा भाई पंद्रहवा क्वेश्चन भी। ठीक है भाई, कॉलम फर्स्ट को चेंज करना है कॉलम फर्स्ट प्लस कॉलम सेकेंड, तो बाहर हमारे पास है a प्लस बी फिर है b प्लस सी, तो अंदर देखते हैं भाई क्या बचेगा। कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड को जोड़ना, एक माइनस एक करोगे तो जीरो आ गया, एक प्लस एक करोगे सर दो आ गया, माइनस एक प्लस एक करोगे सर जीरो आ गया, तो अंदर माइनस एक फिर एक फिर एक, माइनस बी माइनस ए ए प्लस बी प्लस सी। देखो अब अगर आपको स्टेप बढ़ानी है तो हम ऐसा कह सकते हैं कि सर कॉलम फर्स्ट के अंदर से दो कॉमन लेने पर,
दो ओबेनिस्ट लेने पर, क्योंकि जीरो में सब कुछ कॉमन होता है, इस जीरो में भी सब कुछ कॉमन है, यहाँ दो है ही, तो कॉलम फर्स्ट में से आप दो कॉमन ले सकते हो। लेकिन मेरे पास यहाँ पे जीरो आ गया, यहाँ जीरो आ गया, दो जीरो आ गया, तो मैं डायरेक्ट प्रसार करूँगा भाई, कॉलम फर्स्ट के अनुसार प्रसार करने पर, कॉलम फर्स्ट के अनुसार प्रसार करने पर, कॉलम फर्स्ट के अनुसार प्रसार करने पर, ठीक है भाई, कॉलम फर्स्ट के अनुसार हम प्रसार कर रहे हैं, तो हमारे पास a प्लस बी भार है, b प्लस सी ये भी भार है, अंदर देखो, इसके लिए करने की आवश्यकता नहीं है जीरो भाई, इसके लिए करने की आवश्यकता है दो। अब ये नहीं पता कि प्लस का आएगा या माइनस का, तो देखो ये ए ग्यारह दूसरी पंक्ति ए इक्कीस से स्टार्ट होती है, ए इक्कीस का मतलब है ए टू वन, और इन दोनों को जोड़ने पर दो प्लस एक करोगे तीन, तीन का मतलब विषम, इसका मतलब माइनस, फिर एक चारणिक बनाओगे, इसकी पंक्ति को हटाओ, इसके कॉलम को हटाओ, इसकी पंक्ति को हटाओ, तो क्या दिखाई दे रहा है, माइनस वन माइनस बी, माइनस वन माइनस बी, वन और यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी, फिर इसके लिए करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये आगे जीरो आ जाएगा भाई, ये हो गया भाई। अब हमारा आंसर आ जाएगा, देखो इस स्टेप में हमारा आंसर आ जाएगा, देखो क्या आएगा आंसर, ए प्लस बी, बी प्लस सी, अंदर देखो भाई, ये जीरो हटाओ, माइनस दो है, ये लो भाई माइनस दो, फिर ब्रैकेट क्रॉस मल्टीप्लाई करो भाई, इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे तो माइनस ए माइनस बी माइनस सी, अरे माइनस एक का गुणा इन सबसे होगा तो सारे माइनस के, इसका गुणा इससे करोगे तो माइनस बी आएगा, लेकिन यहाँ माइनस होने के कारण वो क्या हो जाएगा, प्लस बी हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो टू ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखो इन दोनों के अंदर से माइनस कॉमन लेके माइनस इंटू माइनस प्लस, एक तो ये आ गया दो, और यहाँ से ए प्लस सी लिख दो, चाहे सी प्लस ए लिख दो, और यही हमारा क्या है, आंसर है भाई। देखो टू है, ए प्लस बी भी है, बी प्लस सी भी है, और यहाँ से देखो माइनस कॉमन लेने के बाद सी प्लस ए बचेगा, ये यहाँ लिख दिया, और यही आपका क्या है, आंसर है भाई। ठीक है, तो चलो अब अगला क्वेश्चन करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये तो समझ में आ गया होगा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये हो गया ए माइनस बी माइनस सी, ए माइनस बी माइनस सी, उसके बाद है टू ए टू ए टू ए, फिर है टू ए, फिर है टू बी, बी माइनस ए माइनस सी, फिर है टू बी भाई, ठीक है, फिर हमारे पास है टू सी, फिर टू सी ये आ जाएगा c माइनस ए माइनस बी, और इसके बराबर हमें सिद्ध करना है a प्लस बी प्लस सी और इसका होल क्यूब। ठीक है भाई, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, अब ध्यान देना भाई,
बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ देखो a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब है, इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि सर a प्लस बी प्लस सी है ये हमारे पास तीन बार कॉमन आना चाहिए। कितने बार कॉमन आना चाहिए? तीन बार। हम कोशिश करेंगे कि हमारे पास दो बार कॉमन आ जाए, उसके बाद हम सारणिक का प्रसार करने पर एक वहाँ से आ जाएगा, ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे कि हमारे पास a प्लस बी प्लस सी है ये तीन बार कॉमन आ जाए। पहले तो इसमें देखो, क्या आपको कहीं पे कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है? इसमें c है, इसमें b है, इसमें सारे हैं, सर इसमें तो कोई कॉमन नहीं आएगा। इसमें देख लो भाई, इसमें a है, इसमें c है, इसमें सारे हैं, कोई कॉमन नहीं आएगा। a फिर b, इस तरीके से कॉलम में देख लो भाई, इस तरीके से देख लो, कहीं पे भी कुछ भी कॉमन नहीं। ऐसा नहीं है कि सर इसमें भी a है, इसमें भी a है, इसमें भी a है, कॉमन ले लो। नहीं भाई, यहाँ से a कॉमन कैसे आएगा? अगर यहाँ से a कॉमन लोगे तो 1 माइनस बी अपॉन ए माइनस सी अपॉन ए, क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा, ठीक है। अब आपको दूसरी कोशिश क्या करनी है कि आपको ये कोशिश करनी है कि किसी पंक्ति को आपस में जोड़ो चाहे घटाओ, आपको a प्लस बी प्लस सी चाहिए। a प्लस का है लेकिन माइनस का b है, माइनस के b को प्लस के b में कन्वर्ट करने के लिए देखो, माइनस b है, इसको प्लस का कब हो सकता है? प्लस का तब होगा तब इसके अंदर 2b जोड़ दें, क्योंकि 2b और माइनस b करोगे तभी तो आपके पास प्लस का b बचेगा भाई। बिल्कुल सही है भाई, इसका मतलब सर इसको जोड़ दो, इसमें जब इसको जोड़ोगे तो आपके पास प्लस का b बचेगा। देखो प्लस का 2b माइनस का b करोगे तो प्लस का b बचने वाला है भाई, लेकिन फिर माइनस का c आएगा, माइनस का c आएगा तो ऐसा करो इसके अंदर इसको भी जोड़ दो भाई, इससे क्या होगा? प्लस का 2c और माइनस का c करोगे तो फिर से प्लस का c बचने वाला है भाई। भाई देखो माइनस c है, प्लस 2c करोगे तो आपके पास c तो बचेगा, इसका मतलब ये सही रहेगा। इसके अंदर इसको भी जोड़ना पड़ेगा, इसको भी जोड़ना पड़ेगा, तो आपको लिखना पड़ेगा कि सर R1 को मैं चेंज कर रहा हूँ। कैसे? R1 को R2 और R3 तीनों को जोड़ रहा हूँ, मतलब R1 प्लस R2 प्लस R3 तीनों को क्यों जोड़ रहे हैं? क्योंकि हमें A प्लस B प्लस C चाहिए भाई, हमें क्या चाहिए? A प्लस B प्लस C चाहिए भाई। देखते हैं भाई, तीनों को जोड़ो, इसको इसको और इसको, जैसे ही जोड़ोगे तो आपके पास क्या बचेगा? a प्लस बी प्लस सी। फिर हमें इनको भी तो जोड़ना पड़ेगा भाई, इनको जोड़ना, देखो 2a माइनस a प्लस a बच गया, प्लस b आपके पास है, प्लस का 2c और माइनस का c करोगे तो फिर से प्लस c बचेगा, यानी यहाँ पे भी आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी। 2a माइनस a, एक a बच गया, 2b माइनस का b, एक b बच गया, इसका मतलब यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? a प्लस बी प्लस सी। भाई कुछ कॉमन नहीं आ रहा था, कहीं पे जीरो नहीं बन रहा था, तो मैंने सिर्फ एक ही तरीका लगाया कि तीनों को जोड़ने पर हमारे पास a प्लस बी प्लस सी आ रहा था, और हमें a प्लस बी प्लस सी तीन बार कॉमन चाहिए भाई, ठीक है, तीन बार क्या चाहिए? कॉमन चाहिए। तो देखते हैं भाई, ये हमारे पास आ गया, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, 2b फिर है b माइनस a माइनस c, फिर है 2b 2c फिर 2c फिर c माइनस a माइनस b। देखो अब हमारे पास a प्लस बी प्लस सी R1 के अंदर से कॉमन आ जाएगा भाई, क्या आ जाएगा? R1 के अंदर से कॉमन आ जाएगा, R1 के अंदर से कॉमन लो भाई, तो यहां लिखेंगे R1 में से a प्लस बी प्लस सी
उभयनिष्ठ लेने पर, उभयनिष्ठ लेने पर यानी कॉमन लेने पर ठीक है भाई, कॉमन लेते हैं देखो, तो हमारे पास आ गया a प्लस बी प्लस सी, ये तो आ गया कॉमन। अंदर क्या बचा भाई, जैसे कॉमन लिया तो यहाँ एक बचेगा, यहाँ एक बचेगा, यहाँ एक बचेगा, यानी हम कह सकते हैं कि सर एक एक फिर एक, यहाँ पे बाकी सब कुछ सेम रहेगा, यानी टू बी, उसके बाद b माइनस ए माइनस सी, उसके बाद है 2b, फिर 2c, 2c, c माइनस ए माइनस बी। अब ज़्यादा दिमाग लगाने, अगर आपने ये स्टेप कर दी तो आगे तो कुछ करने की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूँ, यदि आपके पास एक 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 इस टाइप से आ जाए तो बस इसमें से इसको घटा दो जीरो आ जाएगा, इसमें से इसको घटा दो यहाँ पे भी जीरो आ जाएगा, यानी आपके पास दो जीरो आ जाएंगे भाई। और दो जीरो कैसे आएंगे, इसमें से जब इसको घटाओगे, मतलब कॉलम फर्स्ट में से कॉलम सेकेंड को घटाओगे, तो तीर का निशान लगा के C1 में से घटा रहे हो तो C1 को चेंज कर दो, इसमें से इसको घटाओगे तब भी तो जीरो आएगा, मतलब कॉलम सेकंड में से कॉलम थर्ड को भी घटा दो, तो आगे क्या लिख दो, कॉलम सेकंड। एक साथ हम दो संक्रिया कर सकते हैं, लेकिन इसमें विशेष कंडीशन ये है कि आपने C1 को चेंज किया है तो C1 इस तो दोबारा ऑपरेशन करोगे इसके अंदर आप यूज नहीं कर सकते भाई ठीक है। तो क्या आया हमारे पास, आया a प्लस बी प्लस सी, सी वन माइनस सी टू, एक में से एक घटाओगे सर जीरो आ गया, टू बी में से इसको घटाना है भाई, टू बी में से इसको घटाना है, जब इसको घटाओगे तो ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया, ये प्लस का हो गया, बताओ तो क्या बच गया, a प्लस बी प्लस सी। आपको दिखाई भी दे रहा होगा कि सर 2b माइनस b करोगे तो प्लस का b, ये रहा प्लस का a और ये रहा प्लस का c, घटाने का मतलब चिन्ह बदल जाएंगे, 2c में से 2c घटाओगे तो यहाँ पे भी क्या आ गया, जीरो आ गया भाई, कॉलम फर्स्ट को चेंज कर दिया हमारे पास ये आ गया, कॉलम सेकंड को भी चेंज कर रहे हैं, कॉलम सेकंड में से कॉलम थर्ड घटा रहे हैं, एक में से एक घटाओगे सर जीरो, इसमें से इसको घटाना है, इसका मतलब ये माइनस का होगा, तो देखो b माइनस ए माइनस सी, इसमें से आपको घटाना है माइनस टू बी, तो आपके पास क्या बचा, माइनस ए माइनस टू बी प्लस बी, यानी माइनस बी सर माइनस सी, क्यों ना हम माइनस कॉमन लेके a प्लस बी प्लस सी लिख दें, माइनस कॉमन लेने के बाद a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा भाई ठीक है। इसमें से जब इसको घटाओगे तो ये माइनस, ये प्लस, तो फिर से आपके पास क्या बचेगा, a प्लस बी प्लस सी, बाकी एक टू बी सी माइनस ए माइनस बी, ये हमने बंद कर दिया ठीक। हमारे पास दो जीरो आ गए, बाकी हमें कुछ करना ही नहीं था भाई, जैसे ही आपके पास एक 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 आ जाए, इसमें से इसको घटा दो, इसमें से इसको घटा दो, अपने आप आंसर आ जाएगा भाई। देखो अब आपके आंसर आ भी गए, क्या करना चाहिए कि सर कॉलम फर्स्ट के अंदर से a प्लस बी प्लस सी कॉमन आ रहा है, जीरो में सब कुछ कॉमन है, इसके अंदर भी सब कुछ कॉमन होता है, तो a प्लस बी प्लस सी कॉमन आ जाएगा। कॉलम सेकंड के अंदर से भी आपके पास कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है कि सर a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, या तो कॉमन ले लो या आप इसका डायरेक्ट प्रसार कर दो, प्रसार करोगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा। देखो मैं प्रसार कर रहा हूं, आर वन के अनुसार प्रसार करने पर
अगर आप प्रसार नहीं करोगे तो सबसे पहले कॉलम फर्स्ट में से ए प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लो, कॉलम सेकंड के अंदर से ए प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लो, एक स्टेप और बढ़ जाएगी बस। ठीक है, चलो आपके पास ए प्लस बी प्लस सी ये तो पहले से बाहर है भाई, अब प्रसार करना है। देखो इसके लिए करने की आवश्यकता नहीं, जीरो भाई, बीच में माइनस, इसके लिए करने की आवश्यकता नहीं क्योंकि ये भी जीरो, फिर प्लस एक भाई, ये लो एक, ये इसकी पंक्ति हो गई, इसको हटाओ, ये इसका कॉलम हो गया, इसको हटाओ तो यही तो बच गया, यानी क्या बच गया हमारे पास, ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी जीरो, ए प्लस बी प्लस सी। जैसे ही सारणिक का मान निकालोगे आपका आंसर आ जाएगा भाई। देखो ए प्लस बी प्लस सी ये हमारे पास है, जीरो हटाओ इसको, इसको हटाओ, इसको हटाओ, ये बच गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे तो ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, जब इनका मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी इसका होल स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। बीच में माइनस, इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे तो जीरो हो गया, जीरो लिखने की आवश्यकता है नहीं। ए प्लस बी प्लस सी की पावर एक, ए प्लस बी प्लस सी की पावर दो, और गुणा में घात क्या होती है, जुड़ती हैं भाई, तो ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, ये आंसर। यहाँ आप कॉमन लोगे उसके बाद प्रसार करोगे तो फिर सारणिक की वैल्यू बनाएगी भाई। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। एक बार फटाफट बताओ कि समझ में आया कि नहीं आया भाई। स्वेम्पी चौधरी गुड मॉर्निंग। चलो भाई एक क्वेश्चन और करते हैं। चलो अगर आपके पास कोई भी पंक्ति में एक 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 आ जाता है तो आप दो स्टेप एक साथ करो और दो जीरो लेके आओ। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 18 ये है, ये डिटरमाइनेंट है, एक सरणिक है y प्लस जेड, y प्लस जेड, फिर x, फिर y, फिर एक्स, फिर वाई, जेड प्लस एक्स, जेड प्लस एक्स, फिर जेड और फिर एक्स, फिर है एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, फिर वाई और फिर है एक्स, एक्स प्लस वाई और फिर है जेड। ठीक है भाई, हमें प्रूव करके दिखाना है x प्लस वाई प्लस जेड। पीछे हमारे पास है x माइनस जेड का, भाई ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है ना, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और ये भी एग्जाम में आ चुका है, बिल्कुल सिंपल सा है। देखो हम LHS लेके चलेंगे भाई, तो LHS देखो मैं लिखूंगा तो बोर्ड इतना ही रहता है, मैं डायरेक्ट इसको LHS मान रहा हूँ। ठीक है, तो बताओ क्या करना चाहिए भाई, क्या कहीं पे, देखो क्या कहीं पे किसी को घटाने पर जीरो आ रहा है, देखोगे सर कहीं पे भी जीरो नहीं आ रहा है। क्या किसी के अंदर से कुछ कॉमन आ रहा है, x y z, x y z मतलब सब कुछ अलग अलग है, ना तो जीरो आ रहा है और ना किसी के अंदर से कुछ कॉमन आ रहा है। जब दोनों
नहीं हो रहे हैं तो फिर चलो आंसर पे। आंसर देखो, या तो आप x प्लस वाई प्लस जेड लेके आओ, किसी पंक्ति को जोड़ो घटाओ, आपको x प्लस वाई प्लस जेड लेके आओ, या फिर x माइनस जेड ले आओ, यानी दोनों में से किसी एक को लेके आना था। तो देखो, क्यों ना सर हम ऐसा कर दें, देखो ये x रहा, ये y रहा, ये z रहा, x रहा, y रहा, z रहा, इसका मतलब तो ये हुआ कि सर इन तीनों को जोड़ना पड़ेगा। इन तीनों को क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। जोड़ दो भाई, मतलब सर R1 को चेंज कर दो, R1 प्लस R2 प्लस R3। बताओ इन तीनों को जोड़ने पर x प्लस वाई प्लस जेड आ रहा है, तो तीनों को जोड़ दो भाई। जैसे आप तीनों को जोड़ोगे तो देखते हैं क्या आने वाला है। इधर देखो, y प्लस वाई, टू वाई हो गया भाई, z प्लस जेड, टू जेड हो गया, x प्लस x, टू एक्स हो गया, मतलब टू एक्स प्लस टू वाई प्लस टू जेड। तो क्यों ना मैं टू कॉमन लेके x प्लस वाई प्लस जेड लिख दूं भाई। भाई 2x 2y 2z आएंगे, 2 कॉमन लेके x प्लस वाई प्लस जेड लिख दिया। इन तीनों को जोड़ना, x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड, तीनों को जोड़ना, x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। R2 और R3 सेम रहेंगे भाई, यानी z प्लस x, फिर z, फिर x, x प्लस वाई, फिर y और फिर है z, ठीक है। अब हमें क्या लेना है? कॉमन। इसके अंदर से क्या कॉमन आ रहा है भाई? इसके अंदर से x प्लस वाई प्लस z कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे R1 में से x प्लस वाई प्लस जेड उभयनिष्ठ लेने पर, उभयनिष्ठ लेने पर, उभयनिष्ठ का मतलब है कॉमन, ठीक है भाई। तो ये हमारे पास, हमें कॉमन लेना है। तो कॉमन लेने के बाद क्या आएगा, इधर लिख देता हूं मैं, हमारे पास आ गया x प्लस वाई प्लस जेड। ये तो बाहर आ गया कॉमन, अंदर क्या बचेगा ये देखते हैं भाई। यहाँ से दो, एक एक, तो चलो करो टू, फिर एक, फिर एक, फिर आएगा z प्लस एक्स, फिर z, फिर x, फिर आ जाएगा x प्लस वाई, फिर y और फिर आ जाएगा z, ठीक है भाई। एक बार क्वेश्चन जरूर देख लेना भाई, है ना। अगर क्वेश्चन गलत हो गया तो ये समझो हमारी मेहनत बेकार जाएगी। अब देखो क्या करना, बिल्कुल सिंपल सा है कि सर अगर मैं इसमें से इसको घटा दूंगा तो एक माइनस एक करने पर जीरो आ जाएगा। क्या आ जाएगा? जीरो। दो तरीके हैं आपके पास। एक तरीका तो ये है, यहाँ जीरो कब आ सकता है, यहाँ जीरो कब आ सकता है कि सर दो में से जब दो घटाएंगे तब जीरो आएगा। इसका मतलब अगर मैं इसको दो से गुणा कर दूं, किससे गुणा कर दूं, दो से, और इसमें से घटाऊं तो तब आएगा कि नहीं आएगा। मतलब ऐसे लिख दूं, कॉलम फर्स्ट को मैं चेंज कर रहा हूँ, कॉलम फर्स्ट को मैं चेंज कर रहा हूँ, कॉलम फर्स्ट में से कॉलम सेकंड घटाओगे, कॉलम फर्स्ट में से कॉलम सेकंड घटाओगे, लेकिन सर जीरो नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? जीरो नहीं आएगा। तो सर क्या करना चाहिए भाई? इसको दो से गुणा करके फिर घटाएं तब तो जीरो आ जाएगा। इसका मतलब ऐसे लिख दो भाई, कॉलम फर्स्ट को मैं चेंज कर रहा हूँ, कॉलम सेकंड में, कॉलम सेकंड को घटा रहा हूँ, लेकिन किससे मल्टीप्लाई करके? टू से। तो देखते हैं क्या आएगा भाई। हो गया। अच्छा, एक में से एक घटाओगे ये भी तो जीरो आ रहा है, तो एक संक्रिया और करो, कॉलम सेकंड को चेंज करेंगे, कॉलम सेकंड माइनस कॉलम थर्ड। अरे दो जीरो ले आओ भाई, आपका आंसर आ जाएगा। देखो आंसर आने वाला है,
एक्स प्लस वाई प्लस जेड। फिर एक क्षण, कॉलम फर्स्ट में से कॉलम सेकंड को दो से गुणा करके घटाना है भाई, तो पहले दो से गुणा करके कर लो रफ में। तो यहाँ पे दो, यहाँ से आ जाएगा दो जेड, यहाँ से आ जाएगा दो। देखते हैं भाई क्या आएगा। दो में से दो घटाओगे सर जीरो, जेड प्लस एक्स और माइनस टू जेड, तो एक्स माइनस जेड बच गया। क्या बच गया? एक्स माइनस जेड, क्योंकि प्लस का जेड और माइनस का टू जेड, इसमें से इसको घटाओगे तो एक्स माइनस वाई। क्या बच गया? एक्स माइनस वाई। कॉलम फर्स्ट में से कॉलम सेकंड को दो से मल्टीप्लाई करके घटा दिया तो जीरो एक्स माइनस जेड एक्स माइनस वाई बच गया। कॉलम सेकंड में से कॉलम थर्ड घटाओ तो कॉलम सेकंड यही रहेगा भाई। ऐसा मत करना कि सर अब तो ये हो गया था, नहीं ये तो सिर्फ इसके लिए था, मल्टीप्लाई करके घटाया था। कॉलम सेकंड यही रहेगा। एक में से एक घटाओगे सर जीरो, जेड में से एक्स घटाओगे सर जेड माइनस एक्स, इसमें से इसको घटाओगे सर वाई माइनस जेड, और बाकी क्या आ गया एक एक्स फिर जेड। आपके पास दो जीरो आ गए तो ज़्यादा सोचने की आवश्यकता है नहीं, प्रसार करो आपका आंसर आ गया। प्रसार करो आपका आंसर आ जाएगा। देखो x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है प्रसार करो भाई। किसके अनुसार करोगे? यहाँ जीरो है यहाँ जीरो है तो सिर्फ इस अवयव के लिए निकालना पड़ेगा, यानी r1 के अनुसार, r1 के अनुसार प्रसार करने पर, r1 के अनुसार प्रसार करने पर, r1 के अनुसार प्रसार करने पर देखते हैं क्या आने वाला है भाई। प्रसार करोगे देखो क्या आएगा, जीरो फिर माइनस जीरो। भाई इसके लिए करने की आवश्यकता नहीं, इसके लिए करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ इसके लिए करना है, यानी प्लस वन फिर प्लस वन, फिर देखते हैं क्या बचेगा। जब इस अवयव के लिए निकाल रहे हो तो इसकी रोत तो ये हो जाएगी भाई, इसको हटाओ, ये इसका कूलम हो गया, इसको हटाओ, तो क्या बच गया हमारे पास? बच गया x माइनस जेड, फिर z माइनस एक्स, फिर x माइनस वाई और y माइनस जेड, ठीक है। हमारे पास आ गया x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो भाई, इसका मल्टीप्लाई इससे कर दो, तो मैं मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर रहा हूँ। x का इसके साथ करोगे तो एक्स वाई आ गया, इसका इसके साथ करोगे तो माइनस जेड एक्स हो गया, माइनस जेड का इसके साथ करोगे तो माइनस जेड वाई हो गया, माइनस जेड का माइनस जेड के साथ करोगे तो प्लस का जेड स्क्वायर हो गया। इनका मल्टीप्लाई इससे करोगे तो x का z के साथ एक्स जेड प्लस आएगा, लेकिन बीच में माइनस होने के कारण माइनस एक्स जेड। इसका इसके साथ करोगे तो माइनस वाई जेड, लेकिन यहाँ लिखना पड़ेगा प्लस वाई जेड, क्योंकि बीच में माइनस होता है भाई। इसका इसके साथ करोगे तो प्लस का एक्स स्क्वायर, और माइनस इंटू माइनस प्लस, और वहाँ का माइनस यानी माइनस एक्स वाई, ठीक है भाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, देखते हैं क्या कट गया। ये कट गया भाई प्लस वाई जेड माइनस वाई जेड, ये कट गया भाई। तो क्या बच गया हमारे पास? आ गया कि सर एक्स प्लस वाई प्लस जेड, अंदर क्या बच गया सर? एक तो है एक्स स्क्वायर, या हम कह सकते हैं सर जेड स्क्वायर, एक बच गया एक्स स्क्वायर, एक बच गया माइनस टू जेड एक्स। देखो माइनस जेड एक्स माइनस जेड एक्स, ठीक है। हमें आंसर चाहिए एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर, तो देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ठीक है भाई। यानी हमारे पास क्या आ गया एक्स प्लस वाई प्लस जेड,
एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर। देखो ये जो ये है ना भाई, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर, या आप इसको क्या क्या लिख सकते हो एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर, दोनों एक ही हैं भाई। कभी कन्फ्यूज हो जाओ, इसमें से जैसे ही माइनस कॉमन लोगे तो ये आ जाएगा। और ये देखो ना, एक्स को आप ए मानो भाई, तो ये हो गया ए स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, तो ये हो गया, और यही आपका क्या है आंसर है भाई। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया भाई? और क्वेश्चन देख लेते हैं, बाकी तो ये लेंथ एक 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 है, बाकी थोड़े लेंथी क्वेश्चन हैं, हमारे पास टाइम है नहीं इतना, तो आज के लिए इतना ही रहेगा, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे भाई। ठीक है, सभी विद्यार्थियों का धन्यवाद, थैंक यू, टेक केयर, बाय, हैव ए नाइस डे।